एवरीवन, यू आर वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस इंग्लिश चाइनीज स्कूल। हाँ देखो भाई, टेंथ क्लास की बात करते हैं। तो हमने क्या किया था, अगर एक बार पिछले टॉपिक को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, डायग्राम में जाना क्या उसको क्या किया था। पिछले में एनएसीएल को वाटर में डिजोल्व कर दिया था। एनएसीएल को किसमें, अब ये को पीछे वाला क्यों, क्योंकि पीछे वाले में से एक इसमें कौन सा था, वाटर में। एनएसीएल वाटर में मिलाने के बाद दो गैस प्रोड्यूस हुई थी, क्लोरीन और हाइड्रोजन। क्लोरीन किस पे प्रोड्यूस हुई थी, यही याद रखना तुम्हें, किस पे, एनोड पे। हाइड्रोजन किस पे हुई थी, कैथोड पे। और सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट रहा था, एनएओएच, जो कि हमने भी बाहर निकाल लिया। अब जो ये क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस जो प्रोड्यूस हुई है ब्राइन सॉल्यूशन से, अब इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। देखो अब क्या करते हैं, ये जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अब यहां से वाटर निकालो भाई, OH का उल्टा है, इसका मतलब है हाइड्रोजन भी दो है, ऑक्सीजन भी दो है, तो क्या करेंगे हम, H2। अब H2O निकल, देखो हाइड्रोजन भी दो है, ऑक्सीजन भी दो है, अगर दो हाइड्रोजन निकाल दिए, ऑक्सीजन निकाले, क्या बचा, एक ऑक्सीजन, ठीक। अब ये देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नोट करो भाई, दिस इज कॉल्ड एज ए ब्लीचिंग पाउडर, यानी बराबर सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया था हमने, एनोड कैथोड लगा के इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह पास करके, जो क्लोरीन गैस की थी, वो क्लोरीन गैस को, बस ये याद रखना, उस क्लोरीन गैस को अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जब पास करते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, और क्या मिलता है, वाटर, क्या मिलता है, वाटर, ठीक है। ये था हमारे पास क्या था, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूज क्या है, सबसे पहला यूज देखो, इट इज यूज टू मेक, इट इज यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, फ्री फ्रॉम जर्म्स, जो कीड़े वगैरह होते हैं ना, जो जर्म्स होते हैं, ठीक है, उसको, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, उससे अलग करने के लिए किसका उसको ब्लीच करते हैं, क्या कहते हैं हमें, ब्लीच करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, ठीक है। और एक तो इसका यूज है किसमें, ड्रिंकिंग पर्पस में है, एक इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है भाई। कपड़ों में जो कलर वगैरह के लिए यूज होता है, इसका बहुत का यूज होता है, इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल का मतलब क्या, कपड़े की जमीन होती है, तो मेजर इंडस्ट्रीज होती है, उनमें क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और तीसरी चीज है, इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, और खुद क्या हो जाता है, ये रिड्यूस। फॉर्मूला क्या है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज कॉल्ड ए कॉमन नेम, क्या इसका, ब्लीचिंग पाउडर। पूछ लेते हैं ये बताओ इसका कॉमन नेम है क्या है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की, इसकी बात करेंगे भाई, बेकिंग सोडा, इसको अलग करता हूं मैं। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, बेकिंग सोडा, ठीक है भाई। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले बेकिंग सोडा का फॉर्मूला देखते हैं, बेकिंग सोडा NaHCO, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल देते हैं, या सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, या तो सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या करते हैं इसके लिए भाई, नंबर पता है टेबल सॉल्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है, उसको लेते हैं NaCl, उसमें से पास करते हैं CO2, वाटर, अमोनिया, क्या क्या पास करते हैं भाई,
CO2 देखो अब क्या बनेगा NH4Cl क्या बन जाएगा NH4Cl और क्या बन जाएगा NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज कॉल्ड एज क्या बोलेंगे इसको बेकिंग सोडा ठीक है भाई ये है बेकिंग सोडा अब बस इसके बारे में थोड़ा इनको बस ड्यूरिंग कुकिंग भाई कुकिंग पर्पस के लिए कुकिंग होता है ना भाई जो मीठा सोडा बोलते करते हैं वही होता है बेकिंग सोडा पकड़ने बेकने पकड़ने में और ड्यूरिंग कुकिंग कुकिंग के दौरान क्या होता है भाई ये रिएक्शन याद कर लेना जो भी है अगले रिएक्शन में बताएंगे इसके बारे में और भी प्रॉपर्टी वापस इसकी 2NaHCO3 क्या बनेगा बताओ Na2CO3 प्लस CO2 ये गैस CO2 गैस निकलती है जिससे जो भी सब्सटेंस पकाएंगे पकौड़ा वगैरह कुछ भी है वो कैसा हो जाता है पफी कैसा होता है स्पोंगी हो जाता है ठीक है फूल जाती है वो चीजें किसकी वजह से CO2 निकलने की वजह से निकलने को क्या साइन बताते हैं तो आगे जो भी इसकी प्रॉपर्टीज बाकी हैं वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।